कतर ने लाल सागर में हुती आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी हमलों के कारण तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की शिपमेंट पर रोक लगा दी है। कतर की ऊर्जा कंपनी ने कहा कि वह लाल सागर के माध्यम से होने वाली एलएनजी के एक्सपोर्ट को फिलहाल रोक रही है। कतर के इस फैसले से पूरी दुनिया के सामने नेचुरल गैस की कमी का खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा भारत के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है जब भारत अपनी जरूरत का 42% हिस्सा कतर से मांगता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अन्य कंपनियों की तरह एलएनजी निर्यात करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कतर एनर्जी ने रेड सी में अपने कम से कम 4 एलएनजी टैंकरों को रोक दिया है। कतर एनर्जी ने अपने सभी टैंकरों के स्टाफ को लाल सागर से यात्रा न करने की सलाह भी जारी की है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि यदि कोई टैंकर वहां से गुजरने वाला है तो वह वहां जाना उसी स्थान पर ठहर जाए। जब तक सुरक्षा न पहुंच जाए तब तक वहीं ठहरे रहे। लाल सागर स्वेज नगर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। यह यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा शिपिंग रूट का निर्माण करता है। यह इलाका यमन और जिबूती के बीच अलमंडव स्ट्रेट के जरिए अदन की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व जल मार्ग यातायात का 12% हिस्सा इसी इलाके से होकर गुजरता है। मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के कारण तेल की आपूर्ति में कमी आ सकती है। इस वजह से इनकी कीमतों में वृद्धि की आशंका बढ़ रही है।